आज हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इंटरेस्टिंग चैप्टर ऐसा है कि जो हम आज 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको यही चैप्टर हमें 10th क्लास में भी पढ़ना है। और 10th क्लास में जैसे यहाँ पर केवल एक लगा है ना, वहाँ पर दो लग जाएगा, यहाँ पर दो चर वाले, ठीक है ना। यहाँ एक चर वाले 9th क्लास में, फिर दो चर वाले, और जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ये मान के चलिए कि इसके बिना काम नहीं होना है। चाहे कोई भी चैप्टर रहेगा, वहाँ पर आपको दो चर वाले समीकरण मिल जाएंगे, एक चर वाले समीकरण मिल जाएंगे, इसके मान कई बार निकालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी कई बार सिचुएशन पड़ेगी, और मैथ्स की बात नहीं कर रहे, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डेरिवेशन वगैरह या न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये होते क्या है। इसका नाम पढ़ते पहले तो, एक का मतलब एक की बात की होगी और चर का मतलब चर की बात की होगी। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमारे पास में दो राशियां है, जो राशियां है वो राशियां दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो चर राशि होती है और दूसरी होती है अचर राशि है। ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, चर राशि, या चलायमान बोल सकते हैं हम, चलायमान, ठीक है ना। ऐसी राशि जिसका मान चलायमान हो, कभी उसका मान 3 आ रहा, कभी 7 आ रहा, कभी 9 आ रहा, कभी 5 आ रहा, कभी 4 आ रहा, हर स्थिति में परिवर्तन, ठीक है ना, होता रहता है। जैसे टेम्परेचर अपन बोल रहे, तापमान रहता है, दोपहर अलग रहता है, शाम को, है ना। तापमान जो है वो सुबह और शाम को, सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो ये क्या हो गया, चर हो गया। अचर राशि ऐसी राशि होती है जो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मान लिया जाए कि मैं 8 लिख देता हूँ, तो 8 हमने गिनती सीखी थी, है ना, KG1 KG2 में, किसी ने पहली क्लास में भी सीखी होगी, और आज भी उसको हम 8 ही बोल रहे हैं और भविष्य में भी उसको 8 ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गई, एक निश्चित राशि हो गई, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि चर राशि ऐसी राशि होती जिसका मान परिवर्तित होते रहता स्थिति के अनुसार, अचर राशि ऐसी होती कि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसकी मीनिंग क्या है। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि चर वाली बात की जा रही है। चर को सामान्यतः एक्स वाई और जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो एक चर वाले की बात की है तो या तो एक्स की बात की जाएगी, या तो वाई या जेड, सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। स्थिति के अनुसार हम एक्स वाई जेड किसी को भी यूज कर सकते हैं। रैखिक की बात की गई तो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ पर अगर प्रस्तुत करेंगे, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो रैखिक का मतलब होता है रेखा, जो रैखिक शब्द बना है वो रेखा से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, बनाएंगे भी, अभी हम आगे चल के ग्राफ भी बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और इसकी एक खासियत भी होती है, जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें चर की घात एक होती है। आपको इस चैप्टर में जितने भी समीकरण दिखेंगे उसमें सभी में जो चर है उसकी घात एक ही मिलेगी। तो चर की घात एक होगी तो ही रैखिक हो गया, तो ही उन्हें हम लीनियर बोलेंगे, हाँ रैखिक बोलेंगे, है ना। अब समीकरण की बात आ गई, समीकरण बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। समीकरण का मतलब होता है समान, समान, और जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो समान को हम इक्वल, ये ऐसा समान का एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जो भी इस चैप्टर में मिलेगा आपको उसमें बराबरी का चिन्ह लगेगा, और बराबरी का चिन्ह का मतलब होता है तराजू। तराजू का मतलब होता है एक लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष, बाया पक्ष, और एक होता है राइट हैंड साइड दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड का वजन और राइट हैंड साइड का वजन बराबर रहेगा, मैं वजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वजन बोलिए चाहे इसका मान बोलिए, इधर का मान और इधर का मान बराबर होता है। कई बार आप सब्जी लेने जाते हैं और जब तोलते हैं तो कभी इधर वजन ज़्यादा हो जाता है तो इधर हम वजन बढ़ाते हैं, या तो फिर इधर से कम करते हैं उसको बराबर करने के लिए, या इधर बढ़ जाता है तो इधर से कम करते हैं, या तो फिर इधर बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के जो सिचुएशन आती है वो काय में आती है, तराजू में आती है। तो हम एक तराजू वाला एग्जाम्पल लेते हैं सर, क्यों? क्योंकि समीकरण मतलब तराजू, तराजू वाला एक एग्जाम्पल लिया हमने। हमारे पास में थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या, दो बोरियाँ दिखाई दे रही है, इस टाइप के बैग दिखाई दे रहे हैं दो,
और दोनों बैग एक जैसे है, एक जैसे है और बराबर बराबर भरे भी है। इसके अंदर क्या है, चॉकलेट रखी हुई है। वास्तव में मैं पहले ही बता दूं आपको इसके अंदर टॉफियां रखी हुई है दोनों बैग के अंदर है ना। हाँ, तो इसके अंदर क्या रखी है, टॉफियां रखी है और दोनों में समान टॉफियां रखी है। हमें मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आदत है, जो चीज़ नहीं मालूम उसको कोई भी एक चर मान लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि इस बैग के अंदर कितनी टॉफी है, एक टॉफी है, एक बैग है। कितने बैग है हमारे पास में, दो बैग है, तो दोनों को प्लस कर देता हूँ तो कितना हो गया, दो एक हो गया। तो दोनों बैग मिला के कितनी टॉफी है, एक टू एक है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि इस बैग के अंदर कितनी टॉफी है, तराजू से पता करना चाह रहे हैं, हम तराजू से पता करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो समीकरण है इसको भी हम यहाँ पर यथार्थ रूप में देखना चाह रहे हैं कि समीकरण बनते कैसे। यहाँ पर और तीन चॉकलेट और रखी है तो तीन टॉफी और रख देता हूँ। यहाँ इज इक्वल टू, दोनों बराबर ही है, बराबर में इधर और इधर वजन बराबर, इसलिए इक्वल लगा दिया मैंने। और इधर कितनी टॉफी है, नौ टॉफी है, ठीक है। अब क्या करते कि हमारे पास में टू एक्स प्लस थ्री तो था यहाँ पर और इज इक्वल टू नाइन था, हम तीन टाफियाँ इसमें से कम कर देते हैं, कम कर दी ना, यहाँ से हटा दी मैंने तीन टाफी। तो जितनी टाफी इधर से हटाई उतनी ही टाफी इधर से भी हटाना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर रहेगा। या तो जब दोनों पल्ले बराबर है तो दोनों इधर से बराबर वजन कम करिए, चाहे तो दोनों इधर बराबर वजन बढ़ाइए, तब भी दोनों पल्ले समान रहेंगे। तो इधर से भी तीन टॉफी हटाई, इधर से भी तीन टॉफी हटाई, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी टॉफी बची, छः टॉफी बची, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हम कि यहाँ से पूरी छः की छः टॉफियाँ हटा दी हमने, तो बैलेंस आपने देखा कि इधर झुक गई तराजू। अब ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पर था टू एक्स था और इजिक्वल टू यहाँ पर कितना था, सिक्स था। हमने क्या किया, यहाँ से ये हटाई टॉफियाँ तो हमारे पास में क्या बचा, केवल यहाँ पर टू एक्स बचा, लेकिन बराबर नहीं बचा, अनबैलेंस है, ये काम का नहीं है। केवल हमने ये देखा कि भाई हमने टॉफी हटा दी तो अनबैलेंस हो गया। अब केवल दो बैग बचे हमारे पास, जब दो बैग बचे तो एक बार चेक कर लेते कि दोनों बैग में बराबर टॉफी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कम ज़्यादा है ना। तो दोनों बैग को अपन ने अलग अलग कर दिया और आपने देखा कि दोनों का बैलेंस बराबर है, मतलब दोनों इधर वजन समान है, इसका मतलब दोनों में टॉफियों की संख्या बराबर है। अब देखिए दोनों टॉफियों को हमने क्या किया, खोल के देखा तो इधर भी तीन टॉफियां निकली इस बैग में से और इधर भी बैग में से तीन टॉफी निकली। और हमने क्या लिया था, इसको 2x प्लस 3 लिया था और इजिक्वल टू 9। एक बैग में टॉफियों की संख्या, चॉकलेट की संख्या कितनी है, तो कितनी मानी थी हमने, एक मानी थी। आपको यहाँ पर तराजू, तराजू में ही आपकी समीकरण संतुलित हो गया, उसका मान ज्ञात हो गया। तो हमने इस प्रैक्टिकल द्वारा ये देखा कि हमने इस बैग के अंदर कितनी टॉफी है यहाँ पर ये पता किया। तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर समीकरण मिलेंगे। अब समीकरण किस प्रकार से मिलेगा आपको, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये इसका रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको व्यापक रूप बोला जाता है। या तो फिर हम इसको ऐसा बोल सकते कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी एक इसका व्यापक रूप है। बी को आप इस साइड लिखिए चाहे इस साइड लिखिए, अब आप ये सोचेंगे कि सर बी तो उधर गया तो माइनस हो जाना चाहिए, ये व्यापक रूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसा प्रदर्शित करिए, चाहो तो ऐसा प्रदर्शित करिए, दोनों तरीके इसके प्रदर्शित करने के हैं। यदि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, और इस इसका तिरे गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। और इस रूप से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। मेरा मतलब यह है कि या तो आप ऐसा प्रदर्शित करेंगे तो एक्स का मान इतना होगा, यदि ऐसा प्रदर्शित करेंगे तो एक्स का मान इतना होगा, और ये अपने को एक्सरसाइज में अभी पढ़ना भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सिंपल तरीके से एक्स का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें समझी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।